अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्टार मेकर की बनाए अनलिमिटेड आईडीज। तो दोस्तों, उसके लिए क्लोन की न्यू सेटिंग करनी है, न्यू वर्जन रखना है क्लोन का, और इससे आप आईडी क्रिएट करके, आपको लाइव करके यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा कि आप उससे ड्रीम वर्क भी कर सकते हो और उसमें किसी फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हो। फैमिली में भी अप्लाई होगा, यानी कि मल्टीपल इशू ख़त्म। आपने अनलिमिटेड आईडीज क्रिएट कर लेनी है यहाँ से। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोन की सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपको तरतीब वार बताते हैं कि कैसे आईडी आपने क्रिएट करनी है। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर। क्लोन ऐप आपको दिख रहा है, क्लोन ऐप पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्लोन दिख रहा है, क्लोन पे क्लिक करें। क्लोन पे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार मेकर दिख रहा है। दोस्तों, आपने स्टार मेकर लाइट को यूज़ नहीं करना, आपने स्टार मेकर को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार मेकर पे क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लोन क्रिएट कर लें। यहाँ पे देखें, सबसे पहले नेम चेंज करता हूँ मैं उसके ऊपर, स्टार मेकर क्लोन। यहाँ पे स्टार मेकर टू में लिख देता हूँ, स्टार टू लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, आइकन आइकन आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद OS जो है ना यहाँ पे V3.3.0 लिखना है, 3.3.0 रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका जिसका अगर 3.3.0 नहीं आ रहा तो वो क्या करे, जाके क्लोन को अपडेट कर ले। क्लोन अपडेट करेगा तो उसके बाद V3.3.0 आ जाएगा। तो आपने वर्जन ये वाला क्लोन का सेलेक्ट कर लेना है, चोस ओएस वाला, ठीक है। उसके बाद जनरल सेटिंग पे क्लिक करें आप। जनरल सेटिंग तो आपने गूगल प्ले सर्विसेज ऑन रखनी है, वही वाली, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखें तो पर्सनल प्राइवेसी पे क्लिक करें, फेक जीपीएस लोकेशन आपका सेटिंग पे क्लिक कर दें। सेटिंग पे क्लिक करने बाद दोस्तों, ये ऑप्शन पहले बंद हो चुका था, अब ये ऑप्शन दोबारा आ चुका है। देखें, पहले इस पे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत से लोगों को ये मसला आ रहा था कि ये लोकेशन नहीं ऑन हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं इंडिया पे रख के यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसको अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे देखें, मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो चुका है अब सेट, ठीक है। सेट करने के बाद इसको मैं सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे, फिर नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि ये एक जगह पे टिक जाए। अब मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद दोस्तों बैक हो जाते हैं। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डिवाइस प्राइवेसी पे। डिवाइस प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं, आपको ऊपर नजर आ रहा है ब्रांड एंड मॉडल सेटिंग पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे रैंडम पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। देखें, रैंडम पे आपके पास एक टिक लग जाएगी, यहाँ पे एक रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। बैक आ जाए, रैंडम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन अ न्यू आइडेंटिटी विद वन क्लिक, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। इसको जस्ट क्लिक करेंगे, बाकी सेटिंग हो जाएगी। ये करने के बाद दोस्तों, अब आपने कुछ और नहीं करना, आपने जस्ट क्लोन बना लेना है क्लोन पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे क्लोन बनना स्टार्ट हो चुका है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जैसे ही क्लोन तैयार हो चुका है, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। नीचे इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इंस्टॉल जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, तो ओपन कर लें। यहाँ पे देखिए ओपन आ रहा है, ओपन कर लें। ओपन यहाँ पे अलाउ कर दें, यहाँ आगे से फिर अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ फिर अलाउ कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिनाई करना है, आपने लोकेशन को डिनाई करना है। यहाँ पे डिनाई कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा टाइम लगता है थोड़ा सा। जी दोस्तों, यहाँ पे आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपको ना फेसबुक पे, ना टिकटॉक पे, और ना ही मोर अवेयर्स पे क्लिक करना है। आप ये आईडी जो है जीमेल से बनाएंगे, गूगल पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू जीमेल बनाना है, और बाज़ लोगों से यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर की भी ट्रिक बताता हूँ, और आपके पास फ़ोन नंबर नहीं मांगे तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। फिर तो सिंपली आपने गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद चेकिंग इन्फो आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए चेकिंग इन्फो आ चुका है। जी दोस्तों, चेकिंग इन्फो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे ईमेल और फोन मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है न्यू ऑप्शन यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट का, तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ के लिए आपने यहाँ पे करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लास्ट नेम जो है ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट नेम पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरमान, ठीक है। अरमान लिखने के बाद दोस्तों, मैं लास्ट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब नहीं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब लिख करने के बाद नेक्स्ट कर दें। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी जी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, या मंथ सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे मंथ कुछ भी रख देता हूँ, अप्रैल रख देता हूँ, डे फोर लिख देता हूँ, ठीक है। ईयर यहाँ पे, ईयर रखने से पहले जेंडर कौन सा है, जेंडर मेल रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लो, 2000 यहाँ पे सेटिंग करके उसके बाद नेक्स्ट कर दें।
यहाँ पे आपने जीमेल अकाउंट डालना है और जीमेल अकाउंट पे आपने यूज़ करना है लेटर्स, नंबर्स और पीरियड्स यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरमान, यानी कि लेटर यूज़ कर लिया, अरमान यूट्यूब जो मैंने नाम लिखा था उसी से रिलेटेड बनाता हूँ। उसके बाद डॉट डाल देता हूँ, यानी पीरियड्स भी यूज़ कर लिया। उसके बाद देखें यहाँ पर नंबर भी यूज़ करता हूँ, 231 यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है जी पासवर्ड का ऑप्शन, पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 7 से 8 कैरेक्टर्स का जो है पासवर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा, यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आईडी आपकी बन चुकी है। यहाँ पे देखिए यूट्यूब अरमान के नाम से गूगल अकाउंट बन चुका है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे ये पेज आया, इसको नीचे जाएँ, आई एग्री कर दें इसको। आई एग्री करने के बाद फिर आगे जाएँ, आगे वाला पेज है, यहाँ पे गेटिंग एन अकाउंट इन्फो मांग रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। गेटिंग एन अकाउंट इन्फो के बाद गूगल सर्विसेज आ जाता है, गूगल सर्विसेज में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे उसके बाद आगे आ जाता है जी आपके पास नीचे एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर लें इसको। एक्सेप्ट करने के बाद जी आगे चेकिंग इन्फो आ रहा है, चेकिंग इन्फो के बाद देखें आप दोस्तों आपका मेन पेज आ चुका है। अब आपने जीमेल का आईडी बनाई थी, आप गूगल पे क्लिक करेंगे, गूगल पे ये देखें, गूगल पे डायरेक्ट क्लिक लिया तो मेरी आईडी ये डायरेक्ट बन चुकी है। यहाँ पे आप अपना बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको जी में मई, जून, जुलाई, अप्रैल जो भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2000 और यहाँ पे जो भी लग के उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने ये अलाउ स्टार मेकर टू एसेस योर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इसको डिनाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोकेशन आपने नहीं देने, डिनाई करने के बाद आपके पे दोस्तों आपको सब सेलेक्ट हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एक पे क्लिक करके ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसको डिसमिस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें फॉलो भी आपको सब नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक पे क्लिक करेंगे तो डिसमिस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसके बाद डन कर दें। यहाँ पे डन कर देंगे तो आपके पास आपकी आईडी बन चुकी है, ठीक है। आपकी आईडी बन चुकी है, अब इस आईडी को अप्लाई करके देखते हैं किसी फैमिली में, और साथ साथ में ड्रीम वर्क करके भी, ड्रीम वर्क भी करके चेक करते हैं क्या ड्रीम वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी दोस्तों इसके बाद आईडी बन चुकी, ज्वाइन पे क्लिक करके फैमिली ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे बहुत सी फैमिली नज़र आ रही है, नीचे फैमिली मस्त कलंदर, इस पे ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। सेंट एप्लीकेशन, उसके बाद यू हैव अप्लाइड फॉर दिस फैमिली, ठीक है आ चुका है। तो ये फैमिली में अप्लाई हो चुकी है, तो अब एक्सेप्ट करेंगे तो फैमिली में भी ये आईडी एंटर हो जाएगी। दोस्तों आपको ड्रीम वर्क यहाँ पे गेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्रीम वर्क चेक कर लेते हैं तो ड्रीम वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर ड्रीम वर्क में जैसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपने ड्रीम वर्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ड्रीम वर्क ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं आईडी साइन करके चेक करता हूँ, क्या है आईडी यहाँ पे साइन हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, यहाँ आपको पता है सीज़न फिनाले चल रहा है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट करें। आईडी तो कोई छोटी नहीं मिलेगी, चलें ढूंढ लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई छोटी आईडी साइन करने के लिए ढूंढता हूँ। जी दोस्तों सिंपली आपने साइन सिंगर पे क्लिक करना है, साइन सिंगर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आईडी, ये छोटी आईडी दिख रही है, साइन कॉन्ट्रैक्ट करें इसको, साइन टू कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही मैंने किया तो साइन कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये आईडी साइन होगी या नहीं, ये हो चुकी है साइन। इसका मतलब ये मल्टीपल ड्रीम वर्क से भी नहीं है और फैमिली में भी अप्लाई हो रही है, तो फैमिली से भी मल्टीपल नहीं है, तो इसमें ये आईडी सही बन रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।